वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। उस वक्त थाली वे खाली बर्तन किसी और वजह से बजाए गए थे, लेकिन आज मेरठ में शिवसेना ने किसी और वजह को लेकर, यह वजह है बेइंतहाशा महंगाई व पेट्रोल डीजल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि। शिवसेना की मेरठ इकाई ने आज जिला मुख्यालय पर खाली बर्तन व थाली बजाते हुए राष्ट्रपति से केंद्र की भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। शिवसेना का कहना है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, आम लोगों का जीना दुभर हो गया है। शिवसेना के पश्चिमी यूपी प्रभारी धर्मेंद्र तोमर ने इस मौके पर यह कहा। आज शिवसेना की मेरठ इकाई महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरी है। आप देख रहे हैं किस तरह से महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, और आज महंगाई के विरोध में चूंकि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों का और रसोई गैस की कीमतों का असर सीधा सीधा महिलाओं की रसोई में पड़ता है, और स्थिति यह आ गई है कि राशन भी महंगा हो गया है और गृहिणियों के बर्तन खाली हो गए हैं। आज हमने खाली बर्तन बजाकर सरकार को, शासन को जगाने आए हैं इन्हें बजाने के लिए, और उन्हें संकेत दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी महंगाई को कम किया जाए। अगर महंगाई कम नहीं होती है तो ऐसी महंगी सरकार को तुरंत बर्खास्त राष्ट्रपति जी करें, ये ज्ञापन देने हम डीएम कार्यालय पर जा रहे हैं और राष्ट्रपति से मांग की है कि शीघ्र अगर महंगाई कम नहीं होती, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम नहीं होती और गैस की सब्सिडी पुनः चालू नहीं होती तो इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करें और राष्ट्रपति शासन देश में लगाकर महंगाई को तुरंत कंट्रोल करने का काम राष्ट्रपति महोदय करें। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।